बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। मेरे दांत पे लिपस्टिक लगी हुई है, या क्या आपने असली बाप की कसम करके सच बोल रही हो? टीचर क्या है आज के ब्लॉग में आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू व्हाट ऑल आई ईट इन अ डे, क्योंकि आप जानते हो कि मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ एंड ऑल्सो मेरे दांत पे लिपस्टिक लगी हुई है, या क्या मैं दैट्स अ टिक ट्रिक फॉर दिस। तो क्या खाने वाले यस गुड क्वेश्चन, यही हम दिखाएंगे आज के ब्लॉग में। लेट्स गेट स्टार्टेड। So I start my day with a cup of chai that's made by Karan और आई थिंक उसको भी ना बड़ा सरप्राइज मिलता है कि मैं सुबह उठते उठते ये रोल क्या करती हूँ एंड ही इज लाइक या। सो अभी भी हमारा वो रिचुअल इज स्टिल ऑन इफ यू गाइस डिडंट नो, तो ही इज फॉलोइंग अप विद द रिचुअल, गुड बॉय लाइक दैट, वेरी स्वीट। तो सबसे पहले जब मैं ऑन द वे होती हूँ अपने शूट के, मैं ऑन द वे ये जूस पीती हूँ। दिस इज दूधी आमला पुदीना। तो दूधी तो आपको पता है दूधी को क्या बोलते हैं, लौकी आई थिंक, और आमला तो पता ही है आमला और पुदीना। सो बोथ दूधी एंड पुदीना आर गुड फॉर योर सिस्टम, इट्स अ कूलिंग एजेंट, इट्स फाइबरस, हेल्प्स योर गट कीप क्लीन, एंड आमला इज़ रियली गुड फॉर द हेयर एंड यू कैन सी लाइक यू नो मेरे बाल बहुत पतले हैं, सो आई हैव आमला फॉर दैट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग आई हैव इन द डे। लेट मी ऑल्सो टेल यू कि ये जो दूधी आमला पुदीना वाला जूस है ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, इट इज़ वेरी खट्टा एंड लाइक नॉट टेस्टी एट ऑल, एंड प्लीज डू नॉट जज माई आई पैचेस, क्योंकि मेरा घर मेरे शूट से 10 मिनट दूर है, सो आई ट्राई एंड कीप दिस फॉर 10 मिनट्स, सो प्लीज डोंट जज, थैंक यू। ओके सो टाइम फॉर द नेक्स्ट थिंग टू ड्रिंक। तो ये मैं पीती हूँ मौसम्बी जूस, पहले वाला जूस हो गया, फिर सेकेंड है हमारा मौसम्बी जूस विच आई ड्रिंक। सो मेरे दिन के जो मैं खाती हूँ उसमें खाने से ज्यादा मेरे पीने वाली चीजें होती है शूट पर, गजब बेइज्जती है, थोड़ा खाने वाला कंपैरेटिवली कम होती है। सो या दिस इज द सेकेंड थिंग विच इज मौसम्बी जूस। तो यूजली मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी होता है और आपने देखा कि आई स्टार्ट माई डे विद जूसेस एंड नारियल पानी, सो आई कीप इट वेरी वेरी लाइट, और जस्ट लाइक इफ आई हैव लाइक वन इडली और समथिंग इन द मॉर्निंग इज समथिंग आई डू, तो माई ब्रेकफास्ट इज वेरी वेरी लाइट। बट ब्रेकफास्ट के बाद भी जब मैं मतलब शूट कंटिन्यू करती हूँ, मेरा शूट का स्केड्यूल इतना ज्यादा हेक्टिक होता है कि मुझे प्रॉपरली टाइम टू टाइम खाने का मौका नहीं मिलता है, एंड दैट इज वाई वट एवर आई ईट टू बेसिकली मेक श्योर आई एम एनर्जाइज्ड, वेल एनर्जाइज्ड इन द डे टू डू ऑल ऑफ माई सीक्वेंसेज इन द शो, विच इज नॉट वेरी ईजी सीक्वेंसेज। हमें डांस होता है, तांडव होता है, एक्शन होता है, हार्नेसेस होते हैं, इतने सारे चेंजेस होते हैं, इतने मल्टीपल रोल्स होते हैं इन दिस वन शो। सो आई वट एवर आई ईट टू बेसिकली कीप माई सेल्फ एनर्जाइज। सो जैसे आपने देखा मेरा ब्रेकफास्ट बहुत लाइट होता है, तो ब्रेकफास्ट के बाद आई ऑलवेज हैव दिस शेकर विद मी, इट्स लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, दिस इज ओजीवाज प्रोटीन एंड हर्ब्स, एंड ये मेरे लिए एक तरह का मेरा फिटनेस रूटीन है, क्योंकि मैं जैसे सेट पे आती हूँ रेडी हो जाती हूँ, आई डू लाइक लिटिल बिट ऑफ लाइक अ 10 मिनट ब्रिस्क वॉक, तो मैं जितना अपने आप को एक्टिव रख पाऊँ उतना रख पाती हूँ, मतलब रख सकूँ उतना रख पाती हूँ, और मैं अपने वेट लॉस पर इतना फोकस नहीं करती हूँ, बट आई ऑलवेज फोकस ऑन माई बॉडीज फैट लॉस, सिंस ओजीवाज प्रोटीन एंड हर्ब्स आर स्पेशली मेड फॉर वुमेन, इट हेल्प्स मी डू एग्जैक्टली दैट। सो दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज मेक आफ्टर माई ब्रेकफास्ट, सो इट कीप्स मी एनर्जाइज्ड, और यू नो आई नेवर feel weak, I never am out of energy when I constantly am sipping onto the Ozivas protein and herbs.
So I think it's a massive and a beautiful source of energy if you have a very hectic schedule and you don't और अगर आपको खाने पीने का वक्त नहीं मिलता तो ये आपके लिए perfect चीज है. And the best thing about Oziva protein and herbs is that it is 100% vegetarian and 100% natural. तो इसमें आपको शतावरी और गुदुची जैसे herbs भी मिल जाते हैं, which is why it is proteins and herbs. So I love it. अभी मैं अपना आज का शेक बनाकर अपने शॉट के लिए जा रही हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं लंच के लिए क्या खाने वाली हूँ. एंड अगर आपको भी चेकआउट करना है ओजीवा का प्रोटीन्स एंड हर्ब्स तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. सो आई एम इन अ सुपर रश तो आप जाइए और लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करिए अगर आपको भी ये ट्राई करना है. तो आई थिंक इट्स सुपर व्हेन यू ऑल शुड ट्राई. ओके So I know y'all are totally going to judge me, you know, for this, what I see right in front of me. But it's okay, क्योंकि ये honest चीज़ है जो मैं इतना सा taste करती हूँ क्योंकि हमारे set पे मिलती है and I love it. और मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ but I wanted to be honest and tell you सच्ची सच्ची मैं दिन में क्या खाती हूँ. So yes, this is another thing. और वो है ये इडली मेदू वड़ा with different chutneys. और यहाँ पर मिलता है समोसा और ये वाली चटनी. तो अभी मुझे ये ज़्यादा नहीं खाती हूँ बट बेसिकली इसकी जो चटनी होती है वो इतनी तीखी होती है कि मुझे बड़ा मन करता है कि यार मैं थोड़ा सा टेस्ट तो कर लूँ. सो दैट इज वाई आई ऑलवेज एंड अप ईटिंग लाइक स्मॉल स्मॉल बाइट्स ऑफ दीज थिंग्स. और मैं जेन्युइनली नॉट किडिंग आई ओनली जस्ट यू नो टेस्ट इट टेस्ट टेस्ट टेस्ट. सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग. अब ये इतना खा के मैं वापस रिटर्न करने वाली हूँ. ये मैं सच में पूरा नहीं खाती. सो या दिस इज समथिंग दैट आई ईट टू कीप माई सेल्फ इमोशनली हैप्पी क्योंकि आपका दिल से खुश होना भी बहुत जरूरी होता है. क्या बात है. ओके उसके बाद द नेक्स्ट थिंग आई ड्रिंक अगेन इज नारियल पानी जो तो आप सबको पता ही होगा एंड माई वेरी फेमस स्ट्रॉ. तो अब आओ आओ मैं आंख बाल बाल मेरी आंख बच गई तो मेरी आंख बाल बाल बच गई ऐसे आंख में जाने वाला था. आई थिंक नारियल पानी के बारे में तो आप सबको पहले से ही पता था बिकॉज आई एम श्योर यू हैव सीन इट इन लाइक अ लॉट ऑफ व्लॉग्स एंड एवरीथिंग. नारियल पानी के पहले मैंने पिया था बीटरूट जूस जो मैं शूट करना भूल गई फिर से. यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा. लेट्स सी इफ आई कैन शूट इट टुमारो. ओके नेक्स्ट जो मैं खाती हूँ वो है मेरे घर का टिफिन और वो है आज के टिफिन का चिकन और करेले की सब्जी. ये कचुम्बर हमारे सेट पे बना हुआ है चिकन रोटी चावल मटन के गलौटी कबाब यम्मी. तो ये होता है मेरा लंच. ओके ओके सो अब नेक्स्ट चीज जो मैं अपने लंच की बात करती हूँ वो है वज्रासन. वज्रासन एक आसन है जिसमें आप अपने ऐसे पैर ऐसे फोल्ड करके बैठते हो और आई डू इट फॉर अबाउट 15 मिनट्स और उससे आपने जो खाया है वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है एंड सो दैट्स व्हाई आई वांट लाइक माय फूड टू बी डाइजेस्टेड रियली वेल. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सिट इन वज्रासन आफ्टर माय लंच. ओके तो अभी लंच के बाद मैं पी रही हूँ. व्लॉग बना रही है. मैं व्लॉग बना रही हूँ ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई ईट इन अ डे. वो अभी डिड यू ट्राई द बंसी वड़ा पाव. या शी डिड ट्राई. आई ट्राइड द बंसी वड़ा. आई ट्राइड इट. आई डोंट माय एडिटर्स गोइंग टू बी लाइक इतना आप खाते हो दिन में एक व्लॉग में फिट भी होने वाला है. So after lunch, this is my black coffee. क्या फायदा? इतना तो खा के तू black coffee पी के कुछ खा ले रही. So black coffee is a natural fat burner. कुछ नहीं होगा. An anxiety creator. ये
एंजाइटी क्रिएटर इन द सेंस नो आई मीन लाइक इट डज लाइक गेट्स योर हार्ट पंपिंग फॉर श्योर बट आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट प्री वर्कआउट एंड अ ब्रिलियंट फैट बर्नर. आई समटाइम्स गेट स्लीप आफ्टर ड्रिंकिंग अ कप ऑफ आई कैन स्लीप आफ्टर अ रेड बुल आल्सो. या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो या दिस इज ब्लैक कॉफी ऑब्वियसली ये बिना दूध के बिकॉज इज ब्लैक कॉफी. हमें उसे थोड़ा तो डिटेल दू. लॉन्ग ब्लैक बट देन एंड ऑल्सो इट हैज लाइक नो शुगर सो इट्स प्योर ब्लैक कॉफी लाइक. सो या ओके सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू ईट टुडे अभी मेरी ब्लैक कॉफी पी के हो गई है एंड इट इज फ्रूट्स. तो इसमें है ए इसको क्या बोलते हैं पैर ना पैर एंड एप्पल पैर एंड एप्पल्स कीप द डॉक्टर अवे. मैंने तुम्हारे क्या बिगड़े हैं. नाशपाती बोलते हैं हिंदी में इसको और वो डॉक्टर और एप्पल है एंड एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. सो दिस सो देन नाउ आफ्टर माय ब्लैक कॉफी आई हैव माय फ्रूट्स. तो मेरे फ्रूट्स के साथ साथ मैं खाती हूँ इलायची केले पर मैं दोनों ने एक ही और सो दैट्स अनदर फ्रूट दैट आई ऐड इन अ डे. सो आई मीन आई थिंक आप लोगों को पता चल गया कि दिन में बहुत सारे फ्रूट्स हो गए हैं. आई एम गोइंग टू फिनिश विद माय इलायची बनाना एंड देन नेक्स्ट है हमारे सेट पे आता है सैंजू जो बहुत अच्छी भेल बनाता है. सो दिस इज सूखा भेल सो जो कुरमुरे होते हैं जैसे ममरा भी बोलते हैं पफ राइस होता है विच इज़ प्रीटी मच जस्ट राइस. इट्स नॉट वेरी अनहेल्थी बिकॉज आई ईट लाइक सूखा भेल सो दैट डजंट हैव लाइक द मीठा चटनी एंड ऑल ऑफ दैट. और पूरी मैं नहीं खाती मैं वो स्किप कर देती हूँ. सो दिस इज़ अ भेल दैट आई हैव लाइक अ लिटिल स्नैक इन द इवनिंग. ये सैंजू है ये बनाता है हमारे लिए अलग अलग तरीके का सेव पूरी भेल सब खत्म हो गया क्या है अभी सब बन. तो ये है वो जो मुझे मस्त वाली सूखा भेल बना के देता है तो उनको दिखा इसे ब्लॉग में दिखाएंगे वो. सो द नेक्स्ट थिंग आई ड्रिंक इज चिया सीड्स वाला नींबू पानी. सो दिस इज लाइक चिया सीड्स हनी पानी नींबू सो दिस इज दैट. ओके राइट Now I've packed up और हम मिले हैं and this is what we're eating for dinner. पावा जी था डोसे खा के खत्म कर दी वो नहीं दिखा रही. डोसे that's what I forgot that I had to shoot it so डोसा हमारा खा के हो गया है. कोई बात नहीं. And a plate of idli and now we're on a grilled cheese sandwich. We have to make one more stop after this world, no na? Why? We have to go somewhere to enjoy. Yeah, I know. And then we have, and now we have a pav bhaji sada coming. Two with extra pavs. Yes. वैसे भी जगह नहीं है. You didn't call it with cheese, na? Because I hate pav bhaji with cheese. I hate pav bhaji with cheese. हाँ. ऊपर ऊपर से निकाल लेना ना ग्रेट करना. Fine. हम खा रहे पाव भाजी. पाव भाजी अब हम खा रहे पाव भाजी. अब हम खा रहे पाव भाजी. सेकंड राउंड. यस थर्ड. मेरा तो पता नहीं क्या ही हो गया ओवरफ्लो हो गया मेरा तो मैं सब खा लिया. तेरी वजह से मैं सब खाती हूँ तेरी वजह से फिर मेरा फेस राउंड होता है. आपने असली बाप की कसम कह के सच बोल रही हो. आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ वाजंट इट यू हु सेड आई वांट टू ईट पाव भाजी. आई एम गवा. यस बढ़िया मेरे साथ यही हुआ है. ये कुछ नहीं हुआ तेरे साथ पूरी रात में तेरे साथ पहली बार ही हुआ है. मेरे को खिला खिला के इसने मोटा किया है.